हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मेकअप एनिवर्सरी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आज मेरी एनिवर्सरी है तो विश करने का मन हो तो विश कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। कैसे आपको मेकअप करना है एनिवर्सरी के लिए, अभी दिन का टाइम है तो दिन में आप लाइट मेकअप कैसे कर सकते हो, और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो डार्क सर्कल कैसे हाइड कर सकते हो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, स्पेशली डार्क सर्कल को हाइड कैसे करें मेकअप के थ्रू। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आज का मेकअप मैं बिल्कुल सिंपल और थोड़ा सा आई मेकअप के साथ कंप्लीट करने वाली हूँ, हेयर स्टाइल के साथ। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल है प्रीति वाली टू, जिसमें मेरी ब्लॉग वीडियोज एंड शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल पर भी जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। इंस्टा आई डी प्रीति 24 है, वहाँ पर मेरी मेकअप ट्यूटोरियल हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल वीडियो जाते रहती हैं। तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे प्रीत तिवारी 24। ओके, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बाल वाल ऐसे रहने देती हूँ मेकअप कंप्लीट करके, उसके बाद से बाल बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपने फेस का सीटीएम करना जरूरी होता है। सीटीएम क्या होता है? क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। फेस को क्लीन करो, टोनर अप्लाई करो, टोनर नहीं होता गुलाब जल अप्लाई करो एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद फिर आप प्राइमर अप्लाई करोगे। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाया। अगर आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो। वैसलीन बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो थोड़ा सा वैसलीन ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम है तो आप वैसलीन डेली नाइट में अप्लाई करोगे तो आपकी जो एजिंग है वो भी कंट्रोल होने लग जाएगी और आपकी स्किन टाइट हो जाएगा एंड डार्क सर्कल को भी काफ़ी अच्छा असर करता है, झुर्रियों पे असर करता है। तो आप वैसलीन को एज ए नाइट क्रीम पे भी यूज कर सकते हो इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। बिना मॉइस्चराइजर के मेकअप स्टार्ट नहीं करना है। बिना मॉइस्चराइजर से मेकअप स्टार्ट करने से क्या होता है, आपका मेकअप बाद में फट जाता है एंड क्रैक पड़ने की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होगा तो आपका मेकअप जो है वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बिल्कुल ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं डायरेक्ट कंसीलर को लूँगी। यहाँ पे आप प्राइमर मॉइस्चराइजर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप प्राइमर नहीं भी अप्लाई करोगे तो चलेगा। मैं यहाँ पे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे दिन के लिए मेकअप चाहिए एंड नाइट में थोड़ा सा डार्क मेकअप चलता है, बट डे में आपको एकदम लाइट मेकअप करना होता है। तो यह है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से पहले आपको ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डीप करना होता है। जब ये पूरा फूल जाए उसको अच्छे से पानी को निचोड़ लीजिए फिर इसको यूज कीजिए। तो अभी मैंने इसको गीला नहीं किया तो मैं गीला करके फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लिया, पानी को निचोड़ लिया है एंड आप एक अपने सामने एक मिरर रख लीजिए इस तरीके से ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। डायरेक्ट कैमरे में मैं देख रही हूँ तो हो सकता है कि ब्लेंडिंग अच्छे से ना हो एंड मेकअप ओवर हो जाए, इसलिए मैंने मिरर ले लिया है यहाँ पे। तो ये ब्लेंड कर लिया मैंने ऊपर का पार्ट। कभी भी आप मेकअप स्टार्ट करें, ब्राइडल मेकअप हो सिंपल मेकअप हो, पहले अपने आई मेकअप लुक को कम्प्लीट करिए। क्यों? क्योंकि जब आप आई मेकअप करते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है आई शेडो होता है वो आपके फेस पे गिर जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप का बेस होता है वो ख़राब हो सकता है। तो आप सबसे पहले मेकअप करने से फेस मेकअप करने से पहले आप अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लो, उसके बाद से मेकअप स्टार्ट कीजिएगा। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद से हम लोग लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर लेंगे आई मेकअप के। बिना कंसीलर लगाए आपको अपना आई मेकअप स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि बिना कंसीलर लगाए अगर आप आई मेकअप स्टार्ट करते हो जो आपके आई शैडो का कलर होता है वो अच्छे से उभर के नहीं आता है, जिससे कि आपका आई मेकअप अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया है एंड इसको ब्लेंड करके पाउडर से सेट कर लिया है, यानी कॉम्पैक्ट पाउडर से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइट पिंक कलर का शेड। जो मेरा ड्रेस है वो मैरून में एंड येलो में है तो मैं यही कॉम्बिनेशन में मेकअप स्टार्ट करूँगी। जब भी आपको मैरून और येलो में येलो के कॉम्बिनेशन में मेकअप स्टार्ट करना है तो आपको क्रीज एरिया पे लाइट पिंक कलर का कलर अप्लाई करना है। लाइट पिंक हो गया, लाइट रेड कलर हो गया, मतलब बहुत ही लाइट कलर का कलर अप्लाई करना है क्रीज एरिया पे। तो ये मैंने लाइट पिंक कलर यहाँ पे पिक किया है। क्रीज एरिया क्या होता है, जो हमारी आईज की हड्डी होती है जस्ट इसके ऊपर आपको अप्लाई करना होता है।
आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक इस तरीके से ऐसे ऐसे नहीं करना होता है, राउंड राउंड में लेके आना होता है। ओके अब आपने यहाँ पे लाइट कलर अप्लाई कर दिया, अब आपको नीचे मैरून और येलो के कॉम्बिनेशन में आपको मेकअप डन करना है। तो इतना करने के बाद से आपको लेना है मैरून कलर और डार्क मैरून कलर, ये वाला कलर पिक किया है मैंने। जस्ट हमारा ये क्रीच एरिया के जस्ट ऊपर हमने लाइट कलर अप्लाई किया, अब क्रीच एरिया पे जस्ट आपको डार्क कलर अप्लाई करना है। पूरा वीडियो हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया मैंने। दूसरे वाले आईज पे भी सेम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। थोड़ा पास आके दिखा देती ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से मैंने कलर अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कट क्रीज। कट क्रीज बनाने के लिए कई बार बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है कि मैम अच्छे से कट क्रीज नहीं बन पा रही है, प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रही है, क्या मिस्टेक होती है, पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो लंबी होगी बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। अब कट क्रीज बनाने के लिए आपको लेना है कंसीलर। खुद से बना रहे हो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बट वीडियो देखो अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको यहाँ पे कंसीलर को थोड़ा सा लगा देना है, उसके बाद क्या करोगे इस तरीके से आईज को ऊपर की तरफ चिपका दोगे, जिससे क्या होगा आपको लाइनिंग पता चल जाएगी कि कहाँ तक आपको रखनी है। ओके अब आपको यहाँ से कट क्रीज बनानी स्टार्ट करेंगे और ये लाइन में मिक्स कर देंगे। कैसी भी आईज है कट क्रीज बनाने के लिए ये वाला ट्रिक बेस्ट रहेगा। ओके ध्यान से देख लीजिए इस तरीके से आपको कट क्रीज बनानी है। प्रॉपर लाइन होनी चाहिए, जो आपने कट क्रीज बनाई है उसकी लाइन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अब जब हम लोग कट क्रीज बना लेते हैं तो क्या करते हैं कलर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है आपको, दोबारा से लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर, देन कट क्रीज पे सिंपली अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा जो आपने कंसीलर लगाया है वो अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद आपको अपना कलर पिक करना है, जो भी कलर आपको अप्लाई करना है वो कलर देंगे हम यहाँ पे। सॉरी गाइस वीडियो लंबी हो रही है और मैंने ब्रश पता नहीं कहाँ रख दिया। उसके बाद हमने येलो कलर लिया है एंड जब कलर अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी कट क्रीज ये लाइन बनी हुई है जस्ट इसके नीचे नीचे अप्लाई कीजिए, लाइन आपकी ढकनी नहीं चाहिए। ओके अब हमको क्या करना है, हमको आउटर कॉर्नर का जो कलर है उसको थोड़ा सा डार्क करना है। तो आप चाहो तो सेम कलर पिक कर सकते हो जो आपने पहले अप्लाई किया था, यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे। डेट्स इट। अगर आपको अगर थोड़ा और स्मोकी टाइप का लुक चाहिए तो आप क्या करोगे ब्लैक कलर यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं ले रही हूँ। अब सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी अप्लाई करना है, देन इस पर ग्लिटर अप्लाई कर देंगे एंड ऑलमोस्ट आपका आई मेकअप लुक कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लाइनर मस्कारा एंड आई लैशेस से अपने आई लुक को कम्प्लीट कर सकते हो। तो मैं ये वाला करके फिर आपको ग्लिटर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे कट क्रीज दोबारा से इस वाले आई से भी अप्लाई कर लिया है। अब इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेंगे।
अब इस पे येलो कलर का कलर अप्लाई करेंगे। कलर अप्लाई करने के लिए जो आपकी लाइन बनी है वहाँ पे नहीं लेके जाना है, नीचे नीचे आपको इस तरीके से कलर को अप्लाई कर देना है। अब हमको डार्क कलर, पीछे वाला कलर जो है आउटर कॉर्नर का, उसको डार्क करना है। तो फिर से हमने वही कलर, सेम कलर पिक किया है एंड यहाँ से इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे और ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट है। इसके बाद आपको अपनी आईब्रोज को फिल करना है। हाइलाइटर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, और करके ही दिखाती हूँ, बेशक वीडियो लंबी हो रही है बट एंड तक वॉच कर लीजिएगा। आईब्रो फिल करने के लिए ये वाला ये वाला ब्रश अप्लाई यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे आईब्रो फिल करने के लिए ब्लैक कलर का आई शेडो ही पिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे नेचुरल लुक आ जाता है इसलिए। यहाँ से बराबर नापते हुए इस वाले आईब्रो को भी सेम उसी तरीके से शेप देंगे। देन पीछे से ब्लेंड करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। तो हमारा आईब्रो जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है एंड अच्छे से हमारे आईब्रो का शेप जो है वो आ चुका है। इनर कॉर्नर पे हमको एकदम लाइट कलर अप्लाई करना होता है। ओके, अब लेना है हमको हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए जो ब्लश में हमको व्हाइट कलर का शेप दिया होता है क्योंकि आईब्रोज के नीचे ज़्यादा लाइट कलर यूज करोगे तो और भी ज़्यादा उभर के आएगा और आई मेकअप का लुक जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, हाइलाइटर को मैं फेस पे यूज करूंगी बट इसको मैं आईज पे यूज करूंगी। जस्ट व्हाइट वाला शेड ब्रश में ले लिया है, देन यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है यहाँ पे। ओके, इनर कॉर्नर पे अप्लाई करोगे। अब हमको क्या करना है, जो कलर हमने अपनी आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था सेम वही कलर पिक करेंगे एंड लो वाटर लाइन पे अप्लाई करेंगे। और येलो कलर का शेड लेके इनर वाटर लाइन पे अप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद से आपको अपना लाइनर काजल, अगर आपको आईज को बड़ा दिखाना है तो आपको काजल अप्लाई करना है वाइट कलर का। ओके, आईज को बड़ा दिखाने के लिए आपको वाइट कलर का काजल यूज करना होता है, इससे आपकी आईज जो है वो थोड़ी बड़ी दिखती है। लाइनर मस्कारा अप्लाई करने से पहले आपको काजल अप्लाई कर लेना है, ब्लैक करो या वाइट करो आपकी चॉइस है बट पहले अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई कर लिया है, अब मैं अप्लाई करूँगी मस्करा। मस्करा जो है वो है हमारा लैक्मे 925 का। लैक्मे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, मस्करा भी बहुत अच्छा है इसका, बट मुझे इसकी लाइनर जो है आई लाइनर वो पसंद नहीं आती है क्योंकि जब आई लाइनर बहुत जल्दी इसका सूख जाता है। तो प्लीज़ लैक्मे वाले आई लाइनर पर थोड़ा सा काम कर दीजिए और
मुझे बहुत पसंद है, बस मैं इसी वजह से खरीदना नहीं चाहती हूँ। मैंने इतने टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद मैंने खरीदा, मुझे लगा जैसे काजल में की क्वालिटी में इसके सुधार आ गया, वैसे ही लाइनर की क्वालिटी में भी सुधार आ जाएगा। बट लाइनर इसका अभी भी वैसे का वैसे है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो प्लीज़ लैक्मे, प्लीज़ थोड़ा लाइनर पे इससे काम करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस ये जल्दी सूख जाता है, इसकी वजह से मैं इसको नहीं खरीद पाती हूँ। हम जितना भी प्रोडक्ट आईज पे अप्लाई करते हैं वो हमारी आई लैसेज पे लग जाती हैं, तो मस्कारा को स्किप नहीं करना है। मस्कारा लगा के अपनी आई लैसेज को दोबारा से नेचुरल लुक दीजिए। यहाँ पे हमने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। अगर आपको आईलैशेज लगानी है तो आप लाइनर अप्लाई करने से पहले अप्लाई करोगे, क्योंकि आईलैशेज लाइनर के ऊपर से अप्लाई करते हैं तो बाद में निकलने का डर रहता है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी अप्लाई करना है। लो वाटर लाइन पे भी लाइनर जरूर अप्लाई कीजिए अगर आपने वाइट काजल अप्लाई किया है तो। वीडियो बड़ी हो रही है गाइस, उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन मैं छोटा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि मैम आपने वीडियो बहुत फास्ट कर दिया है जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आया। तो जिसको समझ में आ रहा है वो स्पीड के बटन पर क्लिक करके स्पीड करके देख लीजिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो आराम आराम से देखिए। ओके, तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी लाइनर अप्लाई कर। तो ये लाइनर हमने अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे येलो कलर का ग्लिटर ले रही हूँ, येलो और स्किन कलर का जो ग्लिटर है दोनों को मिक्स कर रही हूँ और अपने आई लिड पे अप्लाई करूंगी। मतलब है ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप डन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब हम लोग फेस मेकअप करेंगे। देखिए मैंने आई मेकअप पहले करने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे नीचे लाइनर काजल सब गिर जाता है, तो इसीलिए पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से अपना फेस मेकअप स्टार्ट कीजिए, तो आपका जो बेस है वो ख़राब नहीं होगा। ओके, तो अभी हमने प्राइमर वगैरह कुछ यूज नहीं किया था, तो अब प्राइमर अप्लाई करेंगे। आई थिंक वैसलिन मॉइस्चराइजर के लिए बेस्ट है यार, अभी तक मेरा फेस बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग कर पा रहा है। तो इतना मैंने प्राइमर लिया है, प्राइमर है हुडा ब्यूटी का। हमको जहाँ पे भी ज़्यादा पसीना आता है वहाँ पे हमको प्राइमर को अप्लाई करना होता है, जिससे कि जो हमारा ओपन पोर्स है वो हाइड हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे, हमारा मेकअप ब्लैक ना पड़े। प्राइमर अप्लाई कर लिया। अगर आपके मेकअप को एचडी लुक देना है एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाना है आपके मेकअप को एंड ब्लैक वो ब्लैक ना पड़े आपका मेकअप, तो उसके लिए आपको मेकअप फिक्सर लेना है एंड प्राइमर के बाद आपको इस तरीके से अप्लाई कर देना है।
उसके बाद अपना फाउंडेशन आप लोगे। फाउंडेशन भी मेरा यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का ही है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि हमको दिन के लिए मेकअप करना है, तो इतना मैंने लिया है। जगह जगह इसको लगा दूंगी और आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लीजिए। हो सकता है कि मेकअप की जो वीडियो है वो दो पार्ट्स में आपको मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है। आई लुक मेरा बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना करने के बाद से, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद से मैं कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर भी मेरा लैक्मे का है। कंसीलर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोनों आईज के नीचे, नोज पे स्ट्रेट, अपर लिप पे, ठोड़ी पे, देन यहाँ पे, जिससे आप अगर कॉन्टोर नहीं भी अप्लाई करते हो तो जो आपका फेस का लुक है वो शार्प हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंसीलर की भी नहीं लेनी है। देन ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको मेकअप करते वक्त। ब्लेंडिंग अच्छी हुई तो मेकअप आपका प्रोफेशनल दिखेगा, नहीं तो आपने कितना भी अच्छा मेकअप किया है वो बेकार ही लगेगा, अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं किया तो, कितना भी अच्छा मेकअप प्रोडक्ट यूज किया है। तो ये हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको अपना कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी पूरे मेकअप को, बेस को। अब हम लोग यहाँ पे ब्लश यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना हाइलाइटर यूज करेंगे। हाइलाइटर मेरा सिस ब्यूटी का है, क्योंकि सिस ब्यूटी का हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और लॉन्ग टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। हाइलाइटर ब्रश ले लेंगे, ये है हाइलाइटर ब्रश। हाइलाइटर भी यहाँ पे लिया है। देन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, हमने यहाँ पे नोज को कंट्रोल नहीं किया है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन बना के अपने नोज को साफ एंड पतला दिखा सकते हो। अब जिसको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो आईज के नीचे से अप्लाई करना स्टार्ट करेगा हाइलाइटर को, देन जो आपका चिक बोन्स होता है वहाँ पे। लिप्स के ऊपर, थोड़ी पे एंड फोरहेड पे।
हमारा मेकअप ऑलमोस्ट अभी डन हो चुका है। अब आपको एक बार और मेकअप फिक्सर को लेना है, देन फेस पे अप्लाई कर देना। मेकअप की फिक्सर अप्लाई करते टाइम ध्यान रखिए आपकी फेस की और मेकअप फिक्सर की दूरी एक हाथ की होनी चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपका मेकअप निकल जाए। मेकअप फिक्सर को अप्लाई कर लिया, इनको सूखने देंगे एंड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक मैं यहाँ पे रेड कलर की अप्लाई करूँगी क्योंकि ये हमारा ब्राइडल मेकअप लुक है एंड मेरी एनिवर्सरी है आज, तो मैं थोड़ा सा हैवी मेकअप कर रही हूँ। तो हैवी मेकअप दिखाने के लिए आपको आई मेकअप को और लिपस्टिक का जो शेड होता है वो डार्क करना होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है लाइट एंड हैवी मेकअप के लिए। अगर किसी का लिप्स बड़ा हो या छोटा हो तो उसको कैसे सही शेप में लाएंगे, उसके लिए भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। मेरे लिप्स का शेप तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो मुझे कुछ ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पे मैं सेंटर पार्टीशन रख रही हूँ। देन यहाँ से इस तरीके से ट्विस्टिंग स्टार्ट करूँगी, लेयर्स निकाल लूँगी क्योंकि लुक के साथ लेयर्स अच्छा लगेगा, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं निकाल रही हूँ। यहाँ पे साइड से निकालेंगे, आप अपने फेस पे देख लीजिएगा जैसे अच्छा लगे वैसे ही कर लीजिएगा। सिंपल सा हेयर स्टाइल लुक रख रही हूँ मैं यहाँ पे, आगे की तरफ पुल करूँगी एंड क्लिप से इसको सेट कर दूँगी। पहले भी मैंने कहा था जब भी आप इस टाइप का हेयर स्टाइल करते हो या फिर बीच की मांग निकालते हो तो आपको अपर डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं रखना है। तो पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा पफ बना दे रही हूँ अपना, ताकि जो मेरा लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। जब भी आप सेंटर पार्टीशन रख रहे हो, बीच की मांग निकाल रहे हो, नई नवेली दुल्हन हो, तो आप ध्यान रखिए कि मांग बहुत ज़्यादा लंबी मत निकालिए। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबी मांग निकालने से क्या होता है कि आपका जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। इसके लिए आपको बीच से बहुत लंबी मांग नहीं निकालनी है, छोटी सी मांग के साथ अपना लुक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से हल्का सा पफ लिया, ज़्यादा पफ नहीं बनाया मैंने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करेंगे। कभी भी हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही हाथों को ऊपर करके ही करिए, जैसे कि आपकी जो स्कैल्प होती है वो दिखाई नहीं देती है, पतले हल्के बाल हैं तो भी आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा दिखता है। बैक के क्लिप तक लेके जाएंगे एंड इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है।
इस तरीके से ऊपर की तरफ से हाथ को ले जाएंगे, टू पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, देन इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे, सॉरी। ऐसे करना है कि ये वाला पार्ट जो हमारा नीचे की तरफ आए, तभी जो आप सेकंड लेयर लोगे इसके साथ इसको मिक्स कर पाओगे। अब आप चाहो अगर आपके बालों को खुला रखना है तो आप खुला रख दो, अगर आपके बाल शॉर्ट है मेजर तो आप खुला रख लीजिएगा, एंड अगर लॉन्ग होंगे तो आप जूड़ा बना सकते हो। इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स वगैरह ट्राई कीजिएगा, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल का लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और आपका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा फाइनल लुक है, मैं इसके साथ झुमके कैरी कर रही हूँ, आपको जो भी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो। इस टाइप के झुमके मैं पहन रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके घर पे पार्टी वार्टी है एनिवर्सरी में या वेडिंग में तो आप मांगती का या फिर ज्वेलरी कर सकते, बट मैंने ऐसे सिंपली आप लोग के साथ शेयर करने के लिए ये लुक बनाया था। तो मैं यहाँ पे मांगती का वगैरह यूज़ नहीं करी। आपको थोड़ा सा और ऊपर उठाने के लिए आपको इस तरीके से हेयर को बैक साइड से दबाना है, एंड टिक टैक या फिर बॉबी क्लिप की मदद से उसको सिक्योर कर देना है। जो भी क्लिप है आपके पास आप उसकी मदद से इसको सिक्योर करके अपने पफ को थोड़ा सा और भी बड़ा और खूबसूरत दिखा सकते हो। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। और कैमरा का जो फिल्टर है उसको मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, एकदम नेचुरल है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा फाइनल लुक जो है वो भी आपको शेयर कर देती हूँ, मैंने चूड़ियाँ इस तरीके की डाली थी। देखिए देखिए इधर मेरी तरफ, आ गया सोचा है।